इज़ नॉट अ नॉर्मल वीडियो और अ चैलेंज वीडियो और अ नॉर्मल व्लॉग, दिस इज़ अ रोस्ट वीडियो। मैं आज रोस्ट बनाने जा रहा हूँ इब्राहिम मिर्ज़ा व्लॉग्स पर, क्योंकि उसने कुछ मेरी वीडियोस उठाकर उस पर मेरी रिएक्शन वीडियो बनाई है, ठीक है। और उसने कुछ तो को एक दो चीज़ें कह नहीं मेरे पे और बोल दिया रोस्ट बनाया, ठीक है। और जो उसने पहला रोस्ट बनाया था उस पर उसने बोला था कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन यू, एंड आई मीन बेटर, नॉट इवन गॉड, बेटर देन यू। आई डोंट इवन केयर कि लोग मुझे क्या कहते हैं कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मगर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी बोलता हूँ, तुमसे। आई ओनली केयर अबाउट यू, ठीक है, कि मैं तुमसे ज़्यादा इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ। बाकी लोगों का फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी बोलते रहेंगे, क्योंकि वो तो हीटर्स हैं भाई, और आप उनमें से शामिल हो, ठीक है, आप उनमें से एक हो। और अभी हम चलिए उस वीडियो का रोस्ट करते हैं स्लैश रिएक्ट बनाते हैं। चलो रिएक्ट करते हैं उस वीडियो का। तो चलिए अब इसे रोस्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये चैनल खुला हुआ है और मैंने इसकी एक नई वीडियो देखी थी, यहाँ पे इसने ये ना एक शॉर्ट डाला हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो नेट चल रहा है इसलिए। काजी आ गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वालेकुम अस्सलाम। शॉर्ट को मैं इसलिए बनाया था कि आप लोगों को बताऊं कि अगला जो ब्लॉग आएगा वो ब्लॉग नहीं होगा, वो एक कवर होगा सॉन्ग। अभी जो मैंने आपको सॉन्ग सुनाया, कहानी सुनाऊंगा, एक कवर होगा कैफे गलील का गाना सुना, आप लोगों ने सुना होगा। तो इंशाल्लाह इस गाने को हम लोग पूरे उम्मीदों से निकालेंगे। और कैफी भाई, अगर आप देख रहे हैं, वैसे तो बहुत ऑब्वियस है आप नहीं देख रहे होंगे, बट इफ़ यू आर वॉचिंग, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको गाना पसंद है। सो इसको देखेगा कैफी गलील, और भी कोई नहीं इसको देखेगा, मुझे तो खैर देखेगा नहीं, छोटे यूट्यूबर्स का कोई नहीं देखता, पहली बात कोई नहीं देखता, ठीक है। कुछ व्यूवर्स होते हैं जो देख लेते हैं और वो सपोर्टिव व्यूवर्स होते हैं, और कुछ हेटर्स भी होते हैं जो भी देखते हैं जैसे तुम। और क्या नाम है, इसने ये जो गाना था ना, इसने थोड़ा बहुत सही गाया मगर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं गाया कि हाँ भाई क्लैपिंग होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा नहीं गाया। या जस्ट वेट फॉर द सॉन्ग, एंड उसके बाद ब्लॉग आएगा, बट पता नहीं किस चीज़ का आएगा, बट ब्लॉग आएगा। अल्लाह हाफिज। अब इसने, आप देख सकते हैं, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, ज़रा आप इसकी ना पहले वीडियो देख लें। इसने पहले इंट्रोडक्शन बनाया था, द कॉन्टेंट यू नीड टू हैव, इससे वाला बनाया था, द कॉन्टेंट यू नीड टू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस पे इसके व्यूज़ हैं 11, ठीक है, इसके 11 व्यूज़ हैं। और इफ़ वी सी द नेक्स्ट वन, इसने बनाया है सूरज चांद नवाब पैरोडी, ठीक है। और इसने जब मुझे टैग किया है, एम ए जे व्लॉग्स मुझे टैग किया है, और इसने मेरे पे एक पहली रोस्ट वीडियो बनाई थी, इससे मुझे टैग किया है, तो इस पर ज़रा व्यूज़ देखिए एक बार, 32 व्यूज़। इस पर कोई भी वीडियो पर 32 व्यूज़ नहीं आए हुए, और अगर इसके पूरा मिला के देखें 78, और सबसे ज़्यादा वाली तो मेरा ही है, मेरी वाली वीडियो पर ही है। अब इसने बनाया था एहराम का फुटबॉल क्लब, इस पर भी 19 व्यूज़ है। अब इसने दोबारा एक रोस्ट बनाया मेरे पे, जिस पर अभी तक 5 व्यूज़ आए हैं, ठीक है, 5 व्यूज़ हैं। अब इसकी जो ये जिसने रोस्टिंग एम ए जे व्लॉग्स अगेन ये करा हुआ है, इस वीडियो को देखते हैं। अली को वापस रोस्ट कर दिया जाए इस ब्लॉग में, तो या चलो इसकी लेटेस्ट वीडियो वापस बनाते हैं, और इस बार क्रैश नहीं होगा। पता नहीं ये हमेशा बीमारी में क्यों वीडियो बनाता है,
तुम्हारी जो क्लास है ना, इसमें कुछ बच्चे हैं वो, इसका नाम रखा है बीमारी, क्योंकि हर वक्त ऐसी एक्टिंग करते रहते हैं कि इसे बहुत बीमार है ये, इसको नज़ला है, बुखार है, सर में दर्द है, कुछ भी पढ़ा रही होंगी ना, बस हेड डाउन करके बैठ जाएगा। भाई जो करें एक समझ तो लो एटलीस्ट। चलिए अब इसका रोल देखते हैं। बता रहा हूँ और या जस्ट लेट्स स्टार्ट डेली व्लॉग्स, देखते कौन सा वाला व्लॉग लगाना है हमें। चलो ग्रोसरी शॉपिंग लगाता हूँ। ये तो बहुत पुराना व्लॉग है। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी जो है मैं उठ चुका था, गैस आ रही थी तो ये तो हमें पता ही नहीं था तुम उठ गए थे, हमें तो भूत देख रहा है तुम्हारा। हाँ दिख रहा होगा तुम्हें, क्या पता। क्या नाम है मेरे का? हैं कंटिन्यू मोड हैं। सो कंटिन्यू मोड, कंटिन्यू मोड क्या है भाई? मैं नहा लेता हूँ, तो मैं नहा रही हूँ। अच्छा बंद। तो भाई अभी ना एक ग्लिच हो गया था, पता नहीं एकदम से ना वीडियो खत्म हो गई, तो मैं दोबारा से बना रहा हूँ। वो देखो पहले बोला नहा लेता हूँ, उसके बाद बोला नहा लिया है। भाई साहब अगर आपने पूरा सेंटेंस सुना हो तो मैंने बोला था कि मैं गैस आ रही थी तो मैंने सोचा मैं नहा लेता हूँ, इसलिए मैं नहा लिया। पूरा सेंटेंस सुनते हो नहीं, पहले से बोलना शुरू हो जाते हो। What common sense is this, Ali? Ali? बस। और अभी मुझे जाना है कहीं, अपने पापा के कहीं जाना है, पापा के दोस्त के घर जाना है शायद, तो पापा कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको तब बता दूंगा कि हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, वो नहीं होता हाँ मैं मानता हूँ अगर कोई बोलेगा कि ऐसे वीडियो बंद कर दी वो पुक के लगा दिया, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई थी, मैं भूल गया था कौन सी जगह जा रहे हैं, मैं भूल गया था कसम से कौन सी जगह जा रहे हैं। हेलो, तो थोड़ी सी ट्रांजिशन करेंगे तो और फिर जाएंगे वहाँ पर हम। ट्रांजिशन बेटा, तुम मेरी बेटा अगर आप स्लोमो करके उसको सुन लोगे ना तो पता चल जाएगा कि ट्रांजिशन नहीं है, वो ट्रांजिशन है। मैं थोड़ा सा हंस गया था इसलिए वो ट्रांजिशन नहीं ट्रांजिशन लगा। क्लियर? स्कूल में जाते हो तुम, हमें भी स्पेलिंग सिखाते हैं, सबको स्पेलिंग सिखाते हैं। अरे तुमने कहाँ से सुन लिया है ट्रांजिशन? ट्रांजिशन होता है ट्रांजिशन, इफ यू डोंट नो। स्टार्ट अगेन, मैंने आपको पहले बताया था, तो ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है, सही बोला आपने, थ्री पहले भी सही बोला था मैंने। वन, इससे बंदे ने वन मेरे साथ बोला है, मुझे ट्रांजिशन बहुत अच्छा लगा, मुझे भी नहीं आता था। थैंक यू यार, थैंक यू। से निकलेंगे वैसे, अगर आपके हेटर्स आपको छोटी से छोटी चीज़ पर अप्रिशिएट करते हैं ना, तो भाई थैंक यू बोलना चाहिए। आप कौन है? शक्ल देखो इसकी यार, क्या पागल तो नहीं है? नो वरीज भाई, इसको बीमारी नहीं कहते, बीमारी क्यों कहते हैं? मैं उसमें मैं हो जाता हूँ उसका। सो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। जो है हम आ चुके थे, तो कहाँ आ चुके थे? मैं अपने नॉर्मल कपड़ों में आ चुका हूँ। हाँ नॉर्मल कपड़ों में आ गए। जो है हम काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आज ज़्यादा कुछ होगा नहीं, और आज का भी थोड़ा सा कम व्लॉग होगा शायद, तो अभी हम थोड़ा सा कम व्लॉग, अगर आप देख सकते तो देखिए, इससे 9.5 मिनट का ब्लॉग बनाया है, जो कि एक ब्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा मिनट है। भाई मैं आपको बताता हूँ, इसने मेरी पूरी वीडियो देखी है नहीं, पहले से बोल रहा है कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने सोचा था कि मैं इस दिन ये
ये जो दिन वाला ब्लॉग बना ना, इसको मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए ये लगा कि मुझे लगा कि मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, तो बहुत छोटा सा ब्लॉग था, 30 सेकंड से भी कम का था, 30 सेकंड से कम का नहीं था, मतलब एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स का था। तो मैंने सोचा कि मैं उस वक्त डाल दूंगा, फिर मैंने सोचा कि मैं 2 दिन को ऐड करके डाल दूंगा, ठीक है, 2 दिन को ऐड करके डाल दूंगा। फिर मैंने 2 दिन को ऐड करके डाला, इसलिए ये 9:24 सेकंड का बना है, मिनट सॉरी। और बोला है ब्लॉग बहुत छोटा होगा, भाई पहले डिसाइड कर लो कितना ब्लॉग बनाना है, उसके बाद ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। अब कभी कभी मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, मुझे भी लाइक मैंने ही बोला कि मैं भी नहीं करता ये सब के, कभी बगैर प्लानिंग के ब्लॉग कर लेता हूँ, मैं भी ब्लॉग करता हूँ ऐसे बगैर प्लानिंग के, बट कभी कभार तुम्हें ना ऐसे प्लान करके ब्लॉग करना होता है कि पता नहीं क्या ब्लॉग बना रहे हो, क्या बना रहे हो। जरा एक बार इसके बाल देखिए, वो नहीं होता क्या कहते हैं उसे, उसको क्या, उस बर्ड को क्या कहते हैं, कॉकटेल, कॉकटेल के जो बाल ऐसे खड़े हुए नहीं होते, वैसे लग रहे हैं। मेरी कोशिश करते जो मैं नहीं करता, हर व्लॉग में मैं नहीं करता ऐसे, जो बाल सेट कर रहा होता हूँ बार बार, वो एक कोने की कोशिश कर रहा था इसके बाल। पागल बना रहे हो, सॉरी प्लान करके ब्लॉग नहीं बनाना, मतलब कि कभी कभार सोचा करो ना कि आगे क्या करना है। बंदा काम पे लगा हुआ है, मेहनती बच्चा। और अभी फिलहाल मैं बेटा मिस नीलोफर ने जितना काम दिया था ना तुम्हारा, इतना नहीं एज ट्रांजिशन, अगर आपको पता ना हो मिस नीलोफर हमारी लिटरेचर की मिस है, ट्रांजिशन के वक्त में हो गया। सो जाऊंगा, फिर सुबह आप लोगों से मिलूंगा, एक बस काम रहता है तो वो मोबाइल का काम है, थोड़ा सा मोबाइल से काम करना है मुझे, तो आपको वही काम, वो काम करते हैं फिर, क्योंकि मोबाइल की वीडियो तो बना नहीं सकता मैं, तो काम करते हैं फिर हम सो जाएंगे। मैं तो, मैं अगर मोबाइल से वीडियो बनानी हो तो फिर मैं रिकमेंड करता हूँ तुम्हें विडमा, मतलब कि विडमा वो क्या नाम है अपना स्क्रीन रिकॉर्डर, बहुत अच्छा रिकॉर्डर है, 5 घंटे, दे नॉट अ स्पॉन्सर, मैं सच बता रहा हूँ। मी टू, नॉट स्पॉन्सर्ड, उसने बोल दिया नॉट स्पॉन्सर्ड। और अगर आप वो क्यूरियस है कि मैं कौन से ऐप से बनाता हूँ, मेरा कोई ऐप नहीं है, अब वो देख रहा हो कोई वाटर मार्क नहीं है, मैं ये मेरे फ़ोन का ही फीचर है, तो उससे मैं वीडियो बनाता हूँ। मतलब कि कोई मेरे आधे घंटे से एक स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम पे ये वापस रोज बना सकूँ, और अगर तुम्हें वीडियो बनानी है तो विडमा रिकॉर्डर इज़ वेरी गुड, और विडमा रिकॉर्डर प्लीज़ डोंट सू मी, अगर मैं तुम्हारी फ्री की वो भी कर रहा हूँ, मेरे 3 मेरे कोई 4-5 सब्सक्राइबर्स हैं, बट जितने भी हैं प्लीज़ विडमा रिकॉर्डर को ज़रूर इस्तेमाल करें, इट्स अ वेरी गुड रिकॉर्डर, अगर आपको रिएक्शन वीडियोज़, रोस्ट वीडियोज़, जितनी भी वैसे वीडियो बनानी है, सो विडमा रिकॉर्डर इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर मी। फिर आपको सुबह मिलते हैं, सुबह स्कूल नहीं है, मैं परसों से स्कूल स्टार्ट करूँगा ट्यूजडे से, तो आपको अभी हम मिलते हैं सुबह। सेकंड डे स्टार्ट, अभी हम मिलते हैं सुबह, सीधा से बोले ना, अभी हम लोग मिलते हैं आपसे सुबह। भाई सेम चीज़ तो बोली है इसने भी, मैंने भी इस वक्त आपसे लगा दिया जी। तो भाई गाइस है, मैं सो के उठ चुका था और मैं फ्रेश फ्रेश भी हो चुका था। गाइस ये शर्ट पटी हुई नहीं है, इट्स अ फैशन, अरे सीधा सीधा बोल रहा ना, कपड़े फाड़ दिए तुमने बचपन में अपने गरीब बच्चों। अरे भाई मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ये जो भी मेरे शर्ट के बारे में बोल रहे हैं, मैं तैयार होके नहीं सोता भाई, पहली बात कि मैं अच्छे कपड़े पहन के सोऊँ, फिर मैं भाई मुझे नेचुरल शक्ल दिखानी थी, इसलिए मैंने जो भी कपड़े बने थे मैंने उस पर बना दी, ब्लॉग बना दिया। मुझे बाद में पता चला कि हाँ ऐसी शर्ट फटी हुई थी, अब दोबारा तो बना नहीं सकता मैं, तो हाँ तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारी माँ की दवाइयाँ नहीं मिली, वैसे डोंट गो ऑन मदर्स, सॉरी अली अगर तुम्हें पढ़ने हो गया है, खुद बोल रहे हैं डोंट गो ऑन मदर्स और फिर खुद मदर्स पर जा रहे हैं, बट या बट मतलब कि रोज में कभी कभार ऐसी वीडियो चीज़ें बोलनी पड़ती है ना, बट या इफ यू आर ऑफेंडेड आई एम सीरियसली सॉरी, सीरियसली आई एम सॉरी। और मैं नाश्ता भी कर लिया,
मैं व्लॉग बनाना भूल गई, तो आज जो भी हो मैं व्लॉग बनाना भूल गया। डकी भाई की कॉपी होगा, आपको सब कुछ दिखा देंगे, सब कुछ दिखा दो, सब कुछ दिखा दो, सब कुछ दिखा देंगे, सब कुछ दिखा दो भाई, सब कुछ दिखाएंगे। ये पता नहीं पीछे तो ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं कोई नाइफ लेकर खड़ा हुआ है इसके बजाय। वीडियो बनाओ फिर तुम्हारा गए तुम भाई, नॉर्मल भाई सीधा देख के ऐसे बना ले, बहुत पीछे देख रहा है। और मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि आज मेरी छुट्टी थी, मुझे कल से स्कूल जाना है। तो अभी हम आपको जब कुछ अगर अभी और सर के आने के पीछे अगर कुछ भी होता है तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। और गजब से शक्ल पे दुखा रहा है उसके, लग रहा है किसी ने फोर्स करके रिकॉर्डिंग करी, मतलब कि बच्चे को किस एंगल से शक्ल से लग रहा है कि मुझे रोना आ रहा है। रिकॉर्डिंग कटा दी नहीं, कौन सी लॉजिक है तो मैं दुखा रहा है अली मुझे कसम से। वेलकम टू द गाइस, अभी जो है मैं जैसे मैंने आपको बोला था कि हम गाइस अभी जो है मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? भाई तुमने हमें बताया ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने बोला हम लोग शायद भाई उसी वक्त प्लान चेंज हो गया था। पहले हम कहीं और जा रहे थे, फिर हम फिर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए चले गए थे, इसलिए मैंने फिर सोचा कि वहीं का व्लॉग बना रहे थे। घूमने गए और घूमने के हम टाल से सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट। कल का भी क्या था कि मैं टाल का व्लॉग बना सकता हूं, सो यहां का कभी हम टाल का मैं जरूर व्लॉग बनाऊंगा, आप प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। सो यार और 3 मिनट हो गए इसके और मेरे अभी चल रहे 7 मिनट। लेकिन ये वीडियो भी बहुत पुरानी है, 2-3 दिन तो ज्यादा हो गया भाई, 2-3 दिन तो ज्यादा हो गया भाई, 2-3 दिन ज्यादा हो गया, बड़ा नहीं हुआ तब तक, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो अभी हम आ चुके हैं इम्तियाज, अभी जहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो शायद हमें मछली नहीं, इम्तियाज में तो लोग शादी अटेंड करने जाते हैं, जाते होंगे इम्तियाज में तो लोग शादी अटेंड करने जाते हैं, इम्तियाज में लोग करने जाते हैं, डांस करने जाते हैं, टिकटॉक बनाने जाते हैं। भाई टिकटॉकर्स जाते होंगे टिकटॉक बनाने, डांस करने, मसला है आपको भाई अजीब, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टिकटॉकर्स। दोस्ती शॉपिंग करने जाते ना इम्तियाज, क्या करने आते हो ये तुम, चाहते हो कि हम लोग इम्तियाज खरीद ले, क्या पता पाकिस्तानी मिस्टर बीस आ जाए और इम्तियाज खरीद ले पूरा, तुम्हें तो नहीं पता ना भाई। अरे बेटा नहीं पता नहीं 300 रुपए का बाइक आता है वो खरीद ले, मेरे पास है नहीं क्योंकि मैं क्वाइट प्लेस पे अपनी वीडियो बनाता हूँ। अरे भाई मेरा पहली बार था जब मैं कोई क्राउडेड प्लेस पे मैं ऐसा व्लॉग बना रहा था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ऐसी आवाज़ आएगी, पीछे से आवाज़ें आएंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं था। अब जो मैंने ये देख लिया है तो मुझे कुछ आइडिया है, तो इंशाल्लाह इसका भी अपग्रेड करेंगे माइक का। जहाँ पे शांति होती है, ओम शांति ओम नहीं, जहाँ पे क्वाइटनेस होती है, जहाँ पे शोर नहीं हो रहा। सीधा सीधा ये बोलते हो ना कि आप अपने कमरे में लेट के रात को आराम से वीडियो बनाते हो, क्या होता है मैं बिल्कुल खाली जगह में आपसे मैं करता हूँ। अभी भी आपको कोई पीछे से आवाज़ नहीं आ रही होगी ज़्यादा, कसर से तो भाई पूरे शॉपिंग मॉल में आ गए हो, लाइक शॉपिंग मॉल जो नहीं एक पल आपकी ग्रोसरी स्टोर पे आ गए हो और वहाँ पे तो ऑब्वियसली लोग होने हैं ना। बहुत सारी क्राउड वाली जगह पे मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पीछे से हाँ, तो भाई हमें भी पता है तो क्राउड वाली जगह पे और मारो और मारो अपने आप को, पागल हो गया भाई, ये वैसे वीडियो खत्म होने वाली है तीसरी रहती है उसके ब्लॉग का प्यार सहन नहीं कर सकता गाइस। अभी हम लोग बस इतने तक ही उसका रोस्ट करते हैं खत्म से, बहुत ज्यादा ब्लॉग है ये क्या पता भाई, ये क्या था, जल्दी खत्म हो गया।
यार ठीक है भाई। हाँ तो मेड फॉर किड्स बनाया हुआ है, तो आज का भी खत्म हो गया। अब मैं एक लास्ट रिव्यू दूंगा भाई, अब मैं आपको बताऊंगा पूरी वीडियो में इसने बस रिएक्ट किए, रोस्ट नहीं था, रिएक्ट किए इसने। ठीक है, अब मेरे मेकर से भी खत्म हो गया, मेरा भी ज्यादा रोस्ट नहीं था, रिएक्ट रिएक्शन वीडियो थी। तो हम हाँ आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने नहीं किया हो सब्सक्राइब अभी तक, तो जल्दी से वो सब्सक्राइब दें, और वो घंटा तो ज़रूर दबा दीजिएगा, घंटा दबा दीजिएगा। और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।